उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जालौन के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ सीएम योगी ग्रामीणों से जनसंवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राम रामपुरा विकासखंड डकोर जनपद जालौन के ग्राम एडी रामपुरा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान वे ग्रामीणों के साथ जनसंवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के आयोजित होने के बाद गाँव में बनी गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत रामपुरा एवं जिला पंचायत जालौन को प्राप्त अवार्ड मुख्यमंत्री के कर कमलों से ग्राम प्रधान व जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी को दिया जाएगा। ग्राम सभा रामपुरा की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिभाग किए जाने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी से डिजिटली जोड़ेंगे भी और संवाद करेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज जनपद जालौन के दौरे पर 11:35 पर जनपद जालौन के एडी रामपुरा ब्लॉक में बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। आज पंचायती राज दिवस के मौके पर वो वहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहाँ वो प्रतिभाग करेंगे और राष्ट्रीय दीनदयाल राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार के तहत चयनित की गई जनपद जालौन की जो ग्राम पंचायतें हैं, क्षेत्र पंचायतें हैं और जिला पंचायत, इनको पुरस्कार देंगे। इसको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी को पुरस्कृत किया जाएगा। एरी रामपुरा के प्रधान हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद वो स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ जनसंवाद करेंगे, तदुपरांत गांव में बनी गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करने के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक वर्चुअल जो रैली है, बैठक है, उसमें वो उसके माध्यम से जुड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर अपने आप में जनपद जालौन में मुख्यमंत्री का होना एक बड़ी बात है। और इसके लिए प्रशासनिक तैयारियों की अगर हम बात करें तो जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन से हमारी यह बात हुई, तो उनका कहना यह था कि मुख्यमंत्री के आने से पहले सारी तैयारियां पूरी हैं और जिन जिन जरूरतों की आवश्यकता पड़ी है उनको पूरा किया गया है और सारी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी हमारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि कुमार से बात हुई, उनका भी कहना था कि जहाँ जनपद जालौन को जितनी फोर्स की आवश्यकता थी उतना डिप्लॉय किया गया है, मुख्यमंत्री सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है। यहाँ पर क्या योजनाओं को सौगात मिलेगी? देखिए, राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो हमारी ये ग्राम पंचायत है एडी रामपुरा, ये भी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित हुई है, तो यहाँ पर उन्हें ग्राम सभा की बैठक में प्रतिभाग करेंगे। उसी कर जो हमारे सारी तैयारियां हैं वो जारी है। यहाँ जनपद जालौन जिला पंचायत भी पुरस्कृत हुई है, इसके साथ अन्य ग्राम पंचायत भी पुरस्कृत हुई है। वो सभी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर कमलों से और एडी रामपुरा की ग्राम सभा की बैठक में भी प्रतिभाग।